सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब ये जो हेलमेट है इसका बता देता हूँ ब्रांडिंग। तो स्टील बर्ड सेवन विंग्स हेलमेट एरोनॉटिक्स। तो अब इसकी पैडिंग को रिमूव करना दिखाता हूँ मैं आज, किसी पैडिंग को आप कैसे रिमूव कर सकते हो। क्या है कि रिमूवेबल पैडिंग का ये फ़ायदा होता है कि आप जब भी मान लो स्मेल आने लग जाए तो आप इसको रिमूव करके आराम से धो सकते हो सरफ वरफ से, जैसे भी आप चाहो। तो ईजीली देखो आपको अपने एक या दो उंगली का इस्तेमाल करना है, ऊपर से पकड़ो यहाँ से एंड देन ईजिली इसको बाहर की साइड खींचो नीचे से। सो दो लॉक यहाँ पे खींचने बाद में यहाँ से यहाँ पे एक लॉक है एंड देन ऊपर एक लॉक है। तो ये देखो यहाँ पे आप हाथ डालो एंड इसको बाहर की साइड ऐसे पुल। सो ये निकल जाएगा और ये कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे भी एक जॉइंट है, इसको आपको बस ऐसे बाहर की साइड खींचना है। सो बस ये ऐसे अटका हुआ रहता है। तो ये एक पैडिंग आपकी बाहर आ गई एंड देन अब इस सेकेंड साइड सेम यही प्रोसेस है, वही ऊपर से पहले ये खींचा, नीचे से अब ये खींचा, ये एक ऊपर लॉक है यहाँ से देन नीचे एक लॉक है और इसको ऐसे बाहर की साइड ऐसे खींच लो। और ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, सो ये ऐसे दिख रहे होंगे तो इसके अंदर इंटरकॉम भी लगा सकते हो आप। बाकी इसका रिव्यू मैंने बना ही रखा है, अगर आपने वो नहीं चेकआउट नहीं किया तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। अब जो इसकी इनर पैडिंग है सबसे ज़्यादा वो ट्रिकी होती है, तो अब वो रिमूव करते हैं। सो आपको क्या करना है कि इसकी पैडिंग को यहाँ से एक लॉक है एंड यहाँ पे एक और लॉक है एंड देन यहाँ पे एक और लॉक है, तीन लॉक आगे साइड है। और अब यहाँ की बात करें तो देखो इसको आपको थोड़ा संभाल के करना होगा, आपको इस पैडिंग को हल्का सा खींचना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको बाहर की साइड पुल करो हल्के से, ज़्यादा ज़ोर से मत करना। सो ये देखो ये यहाँ से एक लॉक बाहर आ गया देन बाहर साइड ये पुल धीरे धीरे, वरना तो ये सब प्लास्टिक का है, आप तोड़ बैठोगे इसको और नुकसान हो जाएगा। सो ये पुल देन पुल, सो ये इनर पैडिंग बाहर आ चुकी है। अब इसको वापस लगाना दिखा देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको इनको तो हटाओ, इसको अंदर डाल लो और पहले ये तीन लॉक है ये इजीली अंदर चल जाएंगे। सो फर्स्ट लॉक प्रेस, सेकेंड लॉक प्रेस, तो ऐसे प्रेस कर करके आप इसे लॉक को डाल सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो भी कर सकते हो साथ में। सो अब ये देखो ये वाला जो हिस्सा है ना ये साइड में जाएगा, जो आपको ये साइड दिख रही है ना यहाँ पे, इसको ऐसे इस साइड से ऐसे करके अंदर साइड इसको आप पुश कर दो। सो ये चला जाएगा इजीली। अब इस वाले हिस्से को भी आपको ऊपर की साइड ऐसे पुश करना है, ध्यान से रखना बीच में लॉक है ना, ये बीच में होना चाहिए ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा इसको भी डाल लेते हैं देन ये भी थोड़ा अंदर, इसको पुश करो, ये भी चला गया, ठीक है। अब इसको और इसको दोनों को एक साथ ऐसे पुश कर दो। सो ये लग गए। अब देखो साइड में ये वापस रह गया, तो इसको आप ऐसे करो और साइड में ऐसे डाल दो इसको, ताकि ये फिक्स हो जाए। तो इनर पैडिंग अंदर डाल चुकी है, अब साइड की बात करते हैं। तो आपको पहले ये वाला हिस्सा इसके अंदर डालना है एंड ये इस तरीके से कुछ, सबसे पहले आपको ऊपर वाला ये जो ऊपर वाला लॉक है ऊपर वाला लॉक लगाना है। आप यहाँ से इसको ऐसे करके ऊपर वाला लॉक लगाओ सबसे पहले, तो ये ऊपर वाला लॉक यहाँ पे लॉक ऊपर की साइड एंड इसको यहाँ पे। देखो इसका एक अच्छी बात है कि इसका जो लॉकिंग सिस्टम है उसमें जो नीचे का एक बोल्ट है ना वो लोहे का दे रखा है आपको, स्टील से बना हुआ है, तो थोड़ी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। ये जैसे आपको दिख रहा होगा स्टील का ये, तो अच्छा ड्यूरेबिलिटी है इसकी। एंड इसको अंदर डाल लेते हैं ताकि ये बाद में डिस्टर्ब ना करें, इसको अंदर डाल दो और थोड़ी फिनिशिंग यार अच्छी कर देते स्टील बर्ड वाले तो क्या चल जाता। ये रहा नीचे वाला लॉक, इसको आप आइडिया से देन ऊपर देन नीचे। सो अभी यही तरीका आपको आपके दूसरे साइड भी करना, वो भी दिखा देते हैं। तो ये रहा, इसको आप पहले इसके अंदर ऐसे डाल लो, आ जा भाई आ गया, ठीक है। तो अब सिंपली क्या करना है आपको, ये जो हिस्सा है इसको पहले अंदर डाल दो, डाल दिया देन अभी ऊपर वाला हिस्सा डालेंगे अपन, ऊपर वाला जो लॉक है अपन वो लगाएंगे सबसे पहले। तो ये ऊपर वाला लॉक देख रहे हो आप, सो ये दिख रहा है एंड इसको ऐसे, अरे भाई मोटी मोटी उंगलियां पुश लगाने, शिट ठीक है लग गया। ये लगने के बाद में अब ये नीचे वाला हिस्सा एक, इसको भी आप लगा दो ऐसे आ गया एंड थोड़ा ट्रिकी सा ही है।
और देखो यार, ये जो ये चीज़ है ना, इसको इनको फिक्स करना चाहिए था। ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं इसको, पैडिंग को लगाने करने में थोड़ा सा इजी नहीं है, तो अपन इसको बाद में लगा लेंगे। ये लगा देते हैं एंड ये लॉक। अब जैसे ये वाला हिस्सा है, ये वाला थोड़ा सा परेशान कर रहा है, तो अपन इसको कुछ इस तरीके से ये डाल दिया। चलो, तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी इसको ऐसे आराम से धीरे 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 इजीली अपनी जगह पे आप प्लेस कर दो। ये इसकी पैडिंग की रिमूव हुई थी, और मैंने सब वाइजर को भी रिमूव करना डाल रखा है। बाकी इसकी रिव्यू अनबॉक्सिंग में डाल रखी है, बाकी एजोर के हेलमेट्स की काफ़ी सारे हेलमेट्स ही डाल रखी है। अगर आप वो चेकआउट करना चाहते हो चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाओ, कमेंट अगर कोई और सवाल हो तो। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।